엄마 개소리. मैंने तुम्हें एबीएस बताया भाई सच में क्रैश हो गया था। सर ये भी नहीं बताया कि एबीएस ऑन है या ऑफ है। मैंने पता क्या किया, पूरी दुबई पर ये देखो आप। ओ भाई ये देखो भाई, अंदर आपको दिख रही होगी भाई न्यू टनर। और दे देते हैं फिर आपको एक खुशखबरी। चलो इंट्रो करो, जल्दी इंट्रो करो, व्लॉग स्टार्ट हो गया। जल्दी जल्दी, जोर से नहीं, जोर से जोर से एक बारी ये वाला। सो है गाइस, कर जल्दी कर जल्दी कर, एक जोर से जोश जोश लड़कियां। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई अपनी दो प्यारी बाइक से, एक RC 390 से और एक अपने घोड़े RR 310 से। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं एक प्यारे से व्लॉग के लिए। और आपको जैसे पता भाई, 4-5 दिनों से आपका भाई आया था जम्मू, क्योंकि भाई क्रिसमस था, घर पे थोड़ा काम भी था, घूमना फिरना भी था, इसलिए व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे थे। आज अपने जम्मू में थोड़े दोस्तों वगैरह से मिलेंगे और आज प्रॉपर एक बॉम्ब सी राइड करेंगे। तो इसलिए भाई आज का जो व्लॉग है ना वो पेट्रोल पंप से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा आपको मैंने बोला था कि भाई जम्मू आके RR 310 में भाई मैं टायर्स वगैरह फिट करवा दूंगा। ये देखो भाई अगला टायर भी आपके भाई ने नया अपोलो का डाल दिया है, और गाइस पीछे वाला टायर भी आपके भाई ने अपोलो का डाल दिया है। तो भाई मोटा खर्चा हो गया सिर्फ टायरों पर ही। बाकी अभी कुछ देर व्लॉग्स आने वाले हैं RR 310 पर। जैसा आप सबको पता है सुपर बाइक तो हमारे, तो अब ट्रिप के क्या प्लान है, जल्दी जल्दी निकलेंगे नहीं बर्फ़ बर्फ़ में। तो भाई V3 बोस ने सबको सोच रखा हुआ है, आने वाले व्लॉग्स में अपडेट मिल जाएगी, नहीं तो मुझको पता है V3 बोस आपको अपडेट इंस्टाग्राम पे दे ही देते हैं। तो जो भी ट्रिप रहेगी व्लॉग्स में भी पता चल जाएगा, इंस्टा भी पता चल जाएगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए पहले फटाफट यहाँ से निकलते और करते हैं बॉम्ब सी राइड। तो गाइस निकल चुके हैं हम एक प्यारी सी राइड पे। तो आ चुके हैं अपने साथ अपने दोस्त, जो आपको पता भाई जम्मू में हमारे साथ होते हैं मोस्टली, ज़्यादा दोस्त आपको पता हमने पाल रखे ने लाइफ में, उतने पाल रखे हैं जो भाई बाइक के लायक है। और ये अपना एक रेस मलिक और एक अपना ये जानू स्टंटस। तो अभी हम जा रहे हैं भाई राइड करने, और ये देखो बिल्कुल बाइक से हाथ जोड़ रहा है। तो आज हम जाएंगे बड़े दिनों के बाद भाई सिद्रा राइड करने, और देखते हैं भाई सिद्रा क्या सीन रहता है, क्योंकि इतने दिनों के बाद हम सिद्रा जा रहे हैं ना बाइक्स लेके, मैं आपको क्या बताऊं। आगे भी एक RR जा रही है भाई, और भाई चक्कर पता क्या, ये वाली RR मैं अपनी चला रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, इसलिए भाई ये ना अभी मेरे को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि भाई जब से 6 साल ली थी उसके बाद मैंने अपनी ये वाली बाइक चलाई नहीं है। तो ये भी मेरे से थोड़ा नाराज़ है कि भाई सुपर बाइक है मेरे को भूल गया, इसलिए अब ये भी थोड़े बहुत बदले लेगी। बट कोई बात नहीं, थोड़ा आस्था चलाएंगे, पहले इसको अच्छे से समझेंगे देन उसके बाद भगाएंगे। चलो भाई थोड़ा सा खींचते RR को, भाई ये रुकती तो नहीं है बट फिर भी चलो गियर्स में रोक लेंगे भाई, क्या करना, जब दोस्त भगाए फिर रुका तो हमसे भी नहीं जाता भाई। वो फंस गया रेस। ओ भाई ये देखो मेरा रईस मलिक भाई हमेशा मेरे को ही चकमे देता है, बाकी किसी को भी नहीं देता, हमेशा मेरे आगे ये बंदा ब्रेक्स मारता है यार। वो देखो भाई रेड कलर में और ब्लैक कलर की RR 310 क्या बॉम्ब लगती है भाई जब साथ चलती है यार। ओह 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 भाई ये देख रहे हो भाई, रईस का लीन मिस करवा गया भाई ये बंदा यार। क्या चल रही है अपनी RR भाई। भाई मेरी बाइक अभी अच्छे से नहीं भाग पा रही है, एक तो भाई सर्विस नहीं, ऊपर से आप ये देख रहे होंगे भाई टायर्स जो नए डाले ना उसको ग्रिप बनाने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि भाई अभी इनमें ना बिल्कुल भी ग्रिप नहीं हो रही है। देखो भाई धुआं निकल रहा है कहीं से बाइक में से यार, शायद से ब्रेक शूज़ में से निकल रहा है भाई, ये देख रहे हो धुआं निकल रहा है, ये ब्रेक शूज़ में से निकल रहा है, किस खुशी में निकल रहा है भाई। सच में ये बाइक पता नहीं कितने दिनों के बाद चला रहा हूँ भाई, बट देखने में देखो भाई रेड मॉन्स्टर क्या लगता है। थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभी नहीं समझ पा रहा हूँ RR 310 क्योंकि भाई गंदी बाइक नहीं चला रहा हूँ। चलो भाई स्टॉप ही दिखाता हूँ, वो देखो अभी भाई मेरे को ना जानू की बाइक चलानी है, तो मैं सोच रहा हूँ उसकी बाइक चलाता हूँ। मेरे से ना मेरी बाइक अच्छे से चल नहीं रही है, और शफकत अभी मेरे को बोल रहा है कि जानू के साथ प्रैंक करते हैं, ये बड़े बंदों के साथ प्रैंक करता ना, आज गाइस इसके साथ प्रैंक कर देंगे, इसलिए आज मैंने सोचा था कि जानू को लेते हैं साथ में तो इसके साथ करेंगे छोटा सा प्रैंक। तो अभी देखते हैं, क्योंकि तेज़ तो बहुत ज़्यादा है, तो कोई चक्कर नहीं गाइस, आपको उधर राजा DC बाइक को उल्लू बना ही देगा। बाइक चला लूँ तेरी थोड़ी देर, जैसे आपको पता गाइस जैसे नई बाइक ली हुई है, बड़ी कम चलाई है हमने, और V3 बोस को देखो पता नहीं कहाँ चले गए। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी ड्यूक चलाऊँ, अरे छोड़ना जानू सब प्रैंक करते हैं ठीक है, इसकी इसकी बाइक है ना जो क्रैश करेंगे लोगों से बड़ा प्रैंक करता ना, आज सब प्रैंक करते हैं इसको नहीं बता रहा ठीक है। तो ठीक है, ठीक है रईस भाई। हाँ तो गाइस अभी हम चलाएं
आरसी एकदम मतलब लुक वाइज अच्छी है, खाली ब्रेकिंग बेकार है। लुक वाइज भाई लुक देख लो, लुक नहीं है। देखो तीन बाइकें लगी है ना यहाँ पे, तीन बाइकें गई, सबका ध्यान है इस बाइक पे जाएगा कि भाई ये कौन सी बाइक खड़ी है। बट गई सच बोलूं V3 बॉस, खाली ब्रेकिंग का इशू है, बाकी तो अच्छी है ना भाई। लुक्स में नंबर वन है भाई, RC390 बोल रहा हूँ यार, RR310 है भाई। बट अगर देखा जाए भागने में, भाई भागने में वो पीछे दो गोले खड़े हैं, भागने में अपने कंपैरिजन में ये भी ठीक है, बट भाई ये रुकती नहीं है यार, इसकी ना ब्रेकिंग में थोड़ा सा इशू है यार। तो अभी हम चलाने वाले जानू की बाइक, आज होगा इसके साथ प्रैंक। V3 बॉस प्रैंक डन है, डन किया जाए। मैंने वही बोला ना लोगों को, लोगों के साथ बड़े प्रैंक करता है, आज V3 बॉस और राजा DC करेंगे। फेंक देंगे, बोलेंगे टूट गई हमसे, जरा इसका रिएक्शन देखेंगे, इनको बताना नहीं। हाँ इसको मैंने किसी को नहीं बताया, खाली रीस को बताया, रीस को बता दिया मैंने, फिर हमारा थोड़ा सा साथ देगा ना। चलो गाइस आज हम चलाएंगे जानू भाई की बाइक, क्योंकि गाइस आपको पता हम जम्मू इतना कम आते हैं, और अपने भाई जो खास खास हमने भाई गिन चुन के थोड़े लाइफ में अपने भाई रखे, हम सबको दोस्त नहीं बनाते हैं, सबको सबको दोस्त नहीं बनाते गाइस, हम गिन चुन के वही लाइफ में दोस्त रखते हैं जो भाई हो बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ शफकत को बोलूँ कि तू ही चलाए इसको, तू ज़्यादा सी चलाएगा। भाई देखो इसकी ब्रेक को भी मैंने पूछ किया ना भाई, मतलब लग रहा है कि ब्रेक है, उसको मारता हूँ, उसको दबाता हूँ ऐसा लग रहा है सरिया दबा रहा हूँ, कसम से RR310 की ब्रेक दबाता हूँ ऐसा लग रहा है सरिया दबा रहा हूँ कसम से। तो आज तूने एक विली दिखानी आ रहा 310 पे ना, ना नहीं नहीं पहले सही बात है, ब्रेक चेक कर लेना, आजा बगा। चलो भाई बगाते रहे इसी साथ थोड़ी सी, ये देखो आता हमेशा मारे आगे आने होता है, क्या क्या मैंने तुम्हें ABS बताया भाई, सच में क्रैश हो गया था सालों, बताया तो करो कि ABS ऑन है या ऑफ है, मार किया चुको के गिर गया था अभी। ओ यार रही तू पीछे चला कर, तू मां की ये मेरे को लेगा यार, तू मेरे को लेगा किसी दिन, इसको भी पता नहीं लगे तो उसी मेरे एक बार इसको लगे। मैंने सोचा नॉन ABS पता नहीं बंद है ऑन है, ओ भाई मर गया था अभी आपका भाई, कसम से उड़ गया था। चलो भाई RR310 के सारे ओ भाई कैसे जा रहे, ये देखो आप ओ भाई कहाँ से निकला जानू भाई, गाड़ी वाले को टच हो गया साइलेंसर भाई, भाई गाड़ी वाले को साइलेंसर टच हुआ, ने प्रैंक सोचा था वो हमने किया ही नहीं भाई अभी तक, ने सोचा था प्रैंक करेंगे, इधर उल्टा ही पड़ गया सीन भाई, जानू आगे निकल के आ रहा T10 लेके, और एक ये हमारा रईस मलिक भाई, इसको सिर्फ आगे आना होता है सिर्फ मेरे और किसी के भी नहीं। ओ भाई फिर से इन्होंने यार ABS ऑन रखी है, ये आज मेरे को फेंकने के पूरे मूड में है भाई, भाई मैंने आज ABS ऑन रखी, मैं दो बारी मरते मरते बचा हूँ यार कसम से यार। ये देखो ABS अभी भी ऑफ है, आज मैं मर गया हूँ वहाँ किसम, दो बारी मारा आपने मेरे को भाई, दो बारी आ रे। चलो भाई रे, ये देखो ब्रिज में ब्रेक है, ओहो भाई अब मुझे समझ गया थोड़ी ब्रेक हो,
बंद हो रही है यार, वहां चांदू की बाइक बंद हो रही है वैसे बार बार। चल 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 भाई, दो बारी ना ये बाइक में से अनकंट्रोल हुई है कसम से यार। ओ भाई ओ भाई, शीशे तो चोर है भाई गाड़ियों को। भाई मौत, भाई मौत, आगे देख रही जानू कहाँ है भाई। बस के साथ सभी बच रहे हैं भाई। भाई आज के ब्लॉग में लग रहा हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, आज सिर्फ मेरे ख्याल से राइड ही चलेगी। ओ भाई देखा, मुझे पहले पता था रेस निकलेगा इसलिए मैंने भाई बाइक स्लो कर दी थी। भाई क्या बॉम्ब राइड हुई है भाई, तबाही राइड हुई है तबाही। चलो भाई आज ना रेस मेरे ख्याल से खत्म नहीं करनी है, आज वो बोले सिर्फ रेस ही चलेगी। बढ़ गए सच में, जो जानू ने RR 310 कंट्रोल किया ना भाई, ये एक नंबर यार। अभी हम आए कावासाकी, कावासाकी आए हैं, अपडेट दे ही देंगे अगर हम कावासाकी आए तो, वो भी हम बता ही देंगे भाई यहाँ पे हम क्यों आए हैं क्यों नहीं। बट भाई क्या मज़ा आया राइड में यार, जानू ने क्या RR चलाई और क्या ड्यूक चली है भाई, खतरनाक मज़ा। और ये देखो भाई अंदर आपको दिख रही होगी भाई न्यू 10R, और दे देते हैं फिर आपको एक खुशखबरी जल्दी दे देंगे, कोई बात नहीं। तो चलते हैं पहले अंदर। तो भाई अभी जा रहा है आपके भाई वापस सरोर, और जानू को भी बाय बाय बोल देते। ओके उस्ताद बाय बाय, मज़ा आया। भाई कब ले रहा है? जब तू लेगा। भाई सोच रहे हैं दोनों भाई, कुछ प्लान कर रहे हैं, बट चलो देखते हैं जो होगा देखेंगे। ओके बाय। चलो भाई, भाई आज थोड़ी बॉम्ब राइड रह गई थी, बट चलो भाई ये तो सही सलामत सब पहुंच जाएंगे। बट मेरा सीन ये है कि भाई हमारा जो रोड आ रहा भाई सरोवर वाला बड़ी ब्राह्मण वाला, ऑलमोस्ट सारा का सारा ना टूटा हुआ है भाई। भाई जब मैं दिल्ली से वापस आता हूँ ना, तो मेरे को ये होप होती है कि भाई अब मेरे ख्याल से ना भाई रोड वगैरह जो है ओके हो गया होगा। बट जब मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ कि यही हालत अभी भी है, तो भाई फिर तो मैं एक बार ये चेक कर लो भाई बड़ी ब्राह्मण। आप सोच रहे होंगे भाई इतनी ठंड है यहाँ पे, धुंध वगैरह पड़ी हुई है भाई, देखो कितनी धुंध है भाई। धुंध नहीं है, डस्ट है भाई, ये लोगों को लगता है भाई धुंध है भाई। सच में जो बंदे अपने इधर बड़ी ब्राह्मण सरोवर वगैरह से ना भाई, सच में बाइकर हो गए चाहे गाड़ी वाले हो गए, सेम है भाई, इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना भाई इस रोड को क्रॉस करने में। भाई मैं पहले भी ये चीज़ सोचता था जब मैं दिल्ली और चंडीगढ़ ब्लॉक बनाता था कि भाई अब वापस जाऊँगा शायद से रोड वगैरह बन गया होगा, बट भाई मुझे नहीं लगता कि ये अभी 3-4 साल या 2 साल जितने भी इसको टाइम लगेगा, अभी काफ़ी सारा टाइम लगेगा। बट हाँ भाई जब फ्लाई ओवर्स वगैरह बन जाएंगे तब उसके बाद भाई मज़ा आने वाला है यहाँ पे बाइक्स वगैरह चलाने में। बट चलो तब तक भाई एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई अच्छी चीज़ के लिए तो एडजस्ट तो करना ही पड़ता है भाई। और ये देखो महाशय जी भाई बिल्कुल रॉन्ग साइड आ रहे हैं, तो चलो भाई अभी निकलते हैं फटाफट घर।